नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। क्या देवता भोग ग्रहण करते हैं? शास्त्र में इसका प्रमाण भी है। गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्धि बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं ग्रहण करता हूँ। अब वे खाते कैसे हैं ये समझना जरूरी है। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वे चीज़ें 5 तत्वों से बनी होती हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना होता है। इसलिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश और आकाश तत्व की हमें ज़रूरत होती है, जो हम अन्न और जल आदि के द्वारा प्राप्त करते हैं। देवता लोग या देव योनि ईश्वर का प्रसाद समझकर सुगंध के रूप में ग्रहण करते हैं। उनके पास कोई भौतिक शरीर ना होने से कोई भूख का अनुभव उन्हें नहीं होता, किंतु वह लोग गंध और प्रकाश और वायु का सेवन करते हैं। उनकी योनि यही ग्रहण करने के लिए बनी है, इसलिए वह इस 3 चीज़ों का सेवन करते हैं। वह सब उस देव योनि के शरीर पर आश्रित है कि कौन किसी तत्व के देवता हैं। जो देवता को आप निमंत्रण देते हैं वह देवता अपने वायुमय शरीर में आते हैं, और जो आप भोग लगाते हैं उनकी सुगंध ग्रहण करके चले जाते हैं। मध्यम स्तर के देवताओं का शरीर 3 तत्वों से तथा उत्तम स्तर के देवताओं का शरीर 2 तत्व, तेज और आकाश से बना हुआ है। इसलिए देव शरीर वायुमय और तेजोमय होते हैं। यह देवता वायु के रूप में गंध, तेज के रूप में प्रकाश को ग्रहण और आकाश के रूप में शब्द को ग्रहण करते हैं। जैसे जो हम अन्न का भोग लगाते हैं देवता उस अन्न की सुगंध को ग्रहण करते हैं, उसी से तृप्ति हो जाती है। जो पुष्प और धूप लगाते हैं उसकी सुगंध को भी देवता भोग के रूप में ग्रहण करते हैं। जो हम दीपक जलाते हैं उससे देवता प्रकाश तत्व को ग्रहण करते हैं। आरती के दौरान जब घंट, शंख, मृदंग और ढोल नगाड़े बजाते हैं उसका देवलोक आकाश के माध्यम से ग्रहण करके खुश होते हैं और आपको मन ही मन में आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कई बार तो आपकी भक्ति से खुश होकर वरदान भी भगवान प्रदान करते हैं, और उनकी शक्तियों से मिला हुआ वरदान सफल होता है। यही कारण है कि देव योनि खुश होती है। यही कारण से देव योनि खुश होती है और आपको सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। देवता ऐसे ही भोग ग्रहण करते हैं। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, वंदे मातरम।